सैंटियागो नाम का लड़का स्पेन में रहता था। हालांकि उसके माता पिता चाहते थे कि वो चर्च में एक पुजारी यानी प्रीस्ट बने, पर वो उनके खिलाफ जाकर एक चरवाहा होने का फैसला किया क्योंकि उसे घूमना पसंद था। वो एक स्वतंत्र आत्मा की तरह अपनी भेड़ों के झुंड के साथ एक शहर से दूसरे शहर घूमता और इसमें उसे बहुत खुशी मिलती। अभी फिलहाल वो एंडलुसिया नामक एक गाँव की यात्रा कर रहा था जहाँ वो एक व्यापारी को कुछ वूल बेचने और उसकी बेटी जिस पर उसे थोड़ा सा क्रश था मिलने जा रहा था, लेकिन लगता है जैसे नियति कुछ और ही चाहती थी। रास्ते में क्योंकि रात बहुत हो गई थी, उसने अपने भेड़ बकरी के झुंड के साथ एक पुराने वीरान चर्च में रात बिताने का फैसला किया और सिकमोर के पेड़ के नीचे सो गया। नींद में उसने इजिप्ट के पिरामिड में छिपे एक गुप्त खजाने का सपना देखा। जैसे ही उसकी नींद खुली, वो अपने सपने के बारे में सोचने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर उसे अचानक याद आया कि तरीफा नाम के शहर में एक बूढ़ी औरत रहती है जिसे सपनों को समझना आता है। वो बूढ़ी औरत के पास गया। वो बूढ़ी औरत ने पहले उससे ये वादा लिया कि अगर वो सक्सेसफुली खजाना पाता है तो वे उस खजाने का 10% हिस्सा उसे देगा। और फिर उस औरत ने बोला कि सपने के अनुसार तुम्हें खजाने को खोजने के लिए इजिप्ट के पिरामिड्स में जाना चाहिए। वह हैरान हुआ, चिढ़ गया और कहा कि ये मुझे पहले से पता है, कुछ और बताओ जिससे मुझे खजाना खोजने में मदद मिल सके। लेकिन औरत ने कुछ और नहीं कहा। निराश होकर वे वहां से चला गया और उसने फैसला किया कि वह कभी भी सपनों पर विश्वास नहीं करेगा और फिर वापस सब भुलाकर अपने रास्ते में बढ़ने लगा, व्यापारी और उसके बेटे को मिलने के अरमान सजाए हुए। लेकिन उसी शहर में सैंटियागो की मुलाकात एक बूढ़े अरबी व्यक्ति से हुई जिसने खुद को सेलम का राजा बताया और सरप्राइजिंगली उसके सपने के बारे में वो पहले से जानता था। उसने सैंटियागो से कहा कि अपने लक्ष्य को भूलो नहीं, जाओ अपने सपने को पूरा करो, और ये भी कहा कि जब किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और शायद सैंटियागो को इसी मोटिवेशन की जरूरत थी। उसने अपने सभी भेड़ बकरी बेच दी और अपने भेड़ का 10वां हिस्सा उस व्यक्ति को उनकी सलाह के लिए दे दिया और अफ्रीका के लिए जहाज में निकल पड़ा। अफ्रीका में उतरते ही उसने पाया कि यहाँ का कल्चर और तौर तरीके काफी अलग थे। इस शहर के लोग अरबी भाषा में बात करते हैं, एक ही भगवान को मानते हैं जिसे वो अल्लाह कहते हैं, शराब के जगह हुक्का पीते हैं। अभी वो शहर को देख और समझ ही रहा था, इतने में उसने एक आदमी को स्पैनिश भाषा में बात करते हुए सुना। वह खुश हो गया, जैसे उसे पराए शहर में कोई अपना मिल गया। उसने उससे बात की और पूछा कि वो पिरामिड का रास्ता जानता है क्या। सैंटियागो ने उस पर भरोसा किया और उसे यात्रा की व्यवस्था करने के लिए अपने सारे पैसे सौंप दिए। लेकिन वो आदमी एक चोर निकला, उसने उसके सारे पैसे लूट लिए और वहां से भाग गया। इन सब के बाद सैंटियागो को खुद पर शर्म आने लगी। वो बहुत रोया लेकिन किसी भी तरह साहस जुटा के उसने खुद से कहा कि कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, और वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगा। इसी बीच बाजार में पहाड़ी के ऊपर सैंटियागो ने एक क्रिस्टल बेचने वाली दुकान देखी जहां उसने पाया कि क्रिस्टल पर बहुत धूल पड़ी है। क्योंकि उसके पास खाना खाने के भी पैसे नहीं थे, उसने दुकानदार से रिक्वेस्ट किया कि वह इन क्रिस्टल को साफ कर देगा और क्या बदले में उसे एक वक्त का खाना मिल सकता है। जैसे ही सैंटियागो ने उन्हें साफ करना शुरू किया, दुकानदार ने देखा कि लोग उसकी दुकान पर आने लगे। वो खुश हो गया और उसने सैंटियागो से पूछा कि क्या वह उसके लिए दुकान में काम करेगा। सैंटियागो, जिसे पैसों की सख्त जरूरत थी, मान गया। जब वो वहां काम करने लगा, सैंटियागो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए नए उपाय और आइडियाज देने लगा और ये सब काम भी कर गए। जल्द ही वो दुकानदार और साथ ही साथ सैंटियागो ने कुछ अच्छे पैसे कमा लिए। ये सिलसिला 11 महीने तक चलता रहा। वो अरबी भाषा भी सीख गया था और अब इतने पैसे हो गए थे कि वो वापस स्पेन जाकर पहले से दुगनी भेड़ बकरी खरीद सकता और पूरी जिंदगी आराम कर सकता। वो वहीं भी सेटल हो सकता था, लेकिन उसे लगातार उस बूढ़े अरब आदमी की याद आती जिसने उसे अपने सपने और मंजिल हासिल करने की प्रेरणा दी थी। इसलिए उसने वापस खजाने की तलाश में अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। इजिप्ट रेगिस्तान के उस पार था और किस्मत से उसी दिन एक कारवां निकल रहा था जो अल फायोम के लिए रवाना हो रहा था जो इजिप्ट में है। वहां उसकी मुलाकात एक अंग्रेज से हुई। अंग्रेज एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति था और हमेशा किताबों में डूबा रहता था। उसने अपने रोजमर्रा के जीवन को त्याग कर दिया था और उसका एकमात्र मिशन एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो ब्रह्मांड की भाषा को समझ सकता है, जिसे अल्केमिस्ट कहते हैं। और वो चाहता था कि अल्केमिस्ट उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकारे और उससे अल्केमी की विद्या, चीजों को बदलने की शक्ति की कला को सिखाए। उदाहरण के तौर पर यह माना जाता था कि अल्केमिस्ट सीसा यानी लेड को सोने में बदल सकता है। अंग्रेज को बस इतना पता था कि वो अल्केमिस्ट अल फायोम के पास एक ओएसिस में रहता है और इसलिए वो इस यात्रा का हिस्सा था। जब वो रेगिस्तान में अपने कारवां के साथ सफर कर रहे थे तो उन्हें बीच में कई रास्ते बदलने पड़े क्योंकि रेगिस्तान के बीच और बीच एक युद्ध चल रहा था। वो शरण लेने के लिए एक ओएसिस में पहुंचे, लेकिन अंग्रेज काफी खुश था क्योंकि इसी ओएसिस में वो अल्केमिस्ट रहता है और क्योंकि उसे अरबी भाषा सही से बोलनी नहीं आती थी तो उसने सैंटियागो को जोर दिया कि वो वहां के लोकल लोगों से अल्केमिस्ट के एड्रेस के बारे में पूछे। सैंटियागो ने कई लोगों से पूछने की कोशिश की लेकिन कोई सही से जवाब
जवाब नहीं दे पा रहा था। अंत में एक जवान लड़की कुएं के पास आई। सैंटियागो अल्केमिस्ट के बारे में पूछने के लिए उसके पास गया, लेकिन जैसे ही उसने उसे देखा उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे उस लड़की से पहली नजर में प्यार हो गया। उस लड़की का नाम फातिमा था। सैंटियागो किसी भी तरह हिम्मत जुटा के उससे अल्केमिस्ट के बारे में पूछा और फातिमा ने उस अल्केमिस्ट के घर की ओर इशारा किया। अंग्रेज पूरे जोश में उस दिशा में भागा। जैसे ही वो अल्केमिस्ट से मिला उसने अपनी इच्छा उसके सामने जाहिर की। अल्केमिस्ट ने सवाल किया, तुम कहते हो कि 10 साल से इस पल का इंतजार कर रहे हो, लेकिन क्या तुमने खुद से कभी शीशे को सोने में बदलने की कोशिश भी की है? अंग्रेज ने बोला, नहीं। फिर अल्केमिस्ट ने बोला कि पहले खुद कोशिश करो और यदि नहीं हुआ तो तब मेरे पास आना। ये सुनकर अंग्रेज वहां से चला गया। इसी दौरान सैंटियागो फातिमा से फिर से मिला और उससे अपना प्यार का इजहार कर दिया। उसने कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है। फातिमा के मन में भी उसके लिए प्यार था, लेकिन फातिमा ने उसे पहले अपने खजाने की तलाश में अपनी यात्रा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि वह इंतजार करेगी उसके वापस आने का। इसी उत्साह में और फातिमा के बारे में बताने के लिए सैंटियागो अंग्रेज के पास गया, लेकिन अंग्रेज शीशे को सोने में बदलने की कोशिश में व्यस्त था। तो सैंटियागो ओआसिस के किनारे पर गया और फातिमा के प्यार के एहसास में खो गया। तभी अचानक उसे भविष्यवाणी दिखी कि एक सेना है जो ओएसिस पर हमला कर सकती है। उसने तुरंत ओएसिस के लीडर को जाकर इस बारे में बताया। लीडर ने उसकी इस दृष्टि पर भरोसा किया और अपनी सेना को तैयार रहने का आदेश दिया और सैंटियागो को यह भी चेतावनी दी कि अगर ये भविष्यवाणी गलत निकली तो वो उसे मार देगा। और अगले ही दिन एक भारी सेना ने सही में ओएसिस पर हमला कर दिया और क्योंकि ओएसिस की सेना पहले से तैयार थी वह भारी सेना को हरा दी। सैंटियागो से खुश ओएसिस के लीडर ने उसे 50 सोने के सिक्के दिए और उसे ओएसिस का काउंसलर बना दिया। सैंटियागो इनाम और अपने नए पोजीशन से काफी खुश था और उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपना पूरा जीवन यहीं बिताएगा ओएसिस में। और अब तो रुकने का सही कारण भी था। फातिमा जो उसे मिल गई थी वो अब अमीर हो गया था, एक अच्छी नौकरी भी थी और जल्द एक पत्नी भी होगी। किंतु अल्केमिस्ट को यह महसूस हुआ कि ये लड़के में कुछ बात है, इसमें इतनी हिम्मत है कि वो अपने मकसद को पूरा कर सकता है। तो उसने सैंटियागो को अपने मिशन को पूरा करने की सलाह दी। अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा कि अगर तुम फातिमा से शादी कर लो और जीवन में बस भी जाओ तो तुम खुश तो रहोगे, लेकिन कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं रह पाओगे। तुम्हें हमेशा कोशिश ना करने का पछतावा रहेगा और तुम अपने लक्ष्य से सिर्फ एक कदम दूर हो। सैंटियागो ने अल्केमिस्ट की बात मान ली और फिर से अपने मिशन में आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस बार उसके साथ अल्केमिस्ट भी था। पिरामिड के रास्ते में उन्हें एक सेना ने रोक दिया जिनको इनके जासूस होने का शक था और वे उन्हें मारने ही वाले थे। इतने में अल्केमिस्ट ने कहा, हम कोई जासूस नहीं है, और सैंटियागो के पास जितने भी पैसे थे उससे लेकर उन्हें दे दिया। उसने ये भी कहा कि इस लड़के के पास खुद को हवा में बदलने की विशेष शक्तियां हैं, लेकिन 3 दिन का वक्त लगेगा। सेना प्रमुख ने बोला, ठीक है। वो उनके पैसे ले लिया और उन्हें 3 दिन का वक्त दिया। सैंटियागो डर गया था, उसने ऐसा चमत्कार पहले कभी नहीं किया और ना तो वो कोई जादूगर है। लेकिन अल्केमिस्ट ने उसे खुद पर विश्वास रखने को कहा और भरोसा दिलाया कि वो कर सकता है। 3 दिन बाद जब उसकी बारी आई, सैंटियागो ने शांति से रेगिस्तान, हवा, सूरज और अंत में दुनिया की आत्मा को समझा, जाना और उनसे बात की। और जैसे अल्केमिस्ट शीशे को सोने में बदलने की ताकत रखता था, वैसे ही सैंटियागो को ब्रह्मांड का राज समझ आ गया और वो खुद को हवा में बदल दिया। ये देख सेना प्रमुख हैरान हो गया और उन्हें छोड़ दिया ताकि वो अपनी यात्रा जारी रख सके। अल्केमिस्ट और सैंटियागो चलते चलते एक मोनास्ट्री में पहुंचे, जहां अल्केमिस्ट ने सैंटियागो से कहा कि यहां से तुमको अकेले ही जाना होगा। लेकिन जाने से पहले उसने एक शीशे को सोने में बदल दिया और उस सोने के 4 हिस्से कर दिए। एक भाग उसने सैंटियागो को दिया, एक उस मोनास्ट्री के सन्यासी को, एक खुद के लिए और आखिरी हिस्सा फिर से उस सन्यासी को दे दिया, ताकि यदि सैंटियागो पिरामिड से खाली हाथ वापस लौटे तो ये उसके काम आएगा। उस सोने के टुकड़े के साथ सैंटियागो ने अपनी यात्रा जारी रखी और आखिरकार इजिप्ट के पिरामिड तक पहुंच ही गया, जहां उसने खुदाई शुरू कर दी, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। फिर यहां भी 3-4 आदमी आ गए जिन्होंने उसका सोना लूट लिया और उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। उन्हें लगा कि और भी सोना छिपा है इस गड्ढे में और उसे खोदते रहने के लिए कहा। डरते हुए सैंटियागो ने कहा कि वहां जमीन में कुछ भी नहीं है और मैं यहां खजाना खोजने के लिए आया हूं, जिसके बारे में मुझे सपना आया था। उसमें से एक आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम किस तरह के बेवकूफ हो जो सपनों में मानते हो। 2 साल पहले मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक पुराने वीरान चर्च के अंदर सिकमोर के पेड़ के नीचे खजाना मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हारे जैसा बुद्धू नहीं हूँ कि एक सपने पर भरोसा कर लूंगा। और वो आदमी हंसता हुआ वहां से चला गया। सैंटियागो कांपते हुए खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा, खुशी से हंस पड़ा, क्योंकि अब उसे पता था कि खजाना वाकई में कहाँ है। वो मोनास्ट्री में वापस गया, सोने का टुकड़ा लिया, वापस स्पेन गया, उस चर्च में और पेड़ के नीचे खुदाई की और आखिरकार उसे खजाना मिल गया। उसने अपने खजाने का 10%
परसेंट उस बूढ़ी महिला को अपने वादे मुताबिक दे दिया और अंत में गहरी सांस के साथ मन में कहा, मैं आ रहा हूँ फातिमा। तो ये थी सैंटियागो की कहानी। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, पर मेरे हिसाब से तीन चीजें हैं जो मैं सोच सकता हूँ। पहली, नेवर सेटल। हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में आ जाते हैं जहाँ हम अपनी नौकरी में बहुत सहज हो जाते हैं और सेटल होने का फैसला कर लेते हैं। वैसे सेटल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं कि आप अपनी क्षमता को कभी जाने ही ना, इसलिए अपने अंदर के खजाने को ढूंढते रहो। दूसरा, दिल की सुनो। आपका दिल सब जानता है, इसको पता है कि तुम क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। जब कभी आप जिंदगी का रास्ता भटक जाते हो तो आपका दिल आपको हर सेकंड उसका एहसास कराता है, तो उस एहसास को दबाओ मत, उसकी बातों को सुनो। तीसरा और आखिरी, जब किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, तो हमेशा भरोसा रखना उस शक्ति पर जो पूरे संसार को चला रही है। जैसे मैं तुम लोगों पर भरोसा रखता हूँ कि अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो तुम सब्सक्राइब करोगे। ये किताब काफी सही है, मैं इसको तुम्हें रिकमेंड करता हूँ कि तुम इसे जरूर पढ़ो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।